चैनल कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है, आपके आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है। दोस्तों, जो भी ड्रेस हम लोग वेयर करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हाँ, अगर हम साड़ी डालते हैं तो उसके लिए बहुत स्लिम होना चाहिए। जो भी ड्रेस आप वेयर करते हैं, तो जैसे कि आपने गाउन डाला है उसमें भी आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जैसे कि आपने लहंगा डाला है या आपने साड़ी डाली है, कोई भी आपने साड़ी डाली है, अगर आप अपनी खूबसूरती को अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो आप एक अलग ही अंदाज रखता है आपका, आप बहुत ज़्यादा ही लुकिंग स्मार्ट लगते हैं। एक ड्रिंक ऐसा लेके आई हूँ, होम रेमेडी ऐसी लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं, जिम में भी बहुत ज़्यादा ही अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम जब तक आप करते हैं तब तक आप प्रॉपर बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, जिम में बराबर आप लगे रहते हैं तो आप फिट रहते हैं। जैसे ही आपने जिम छोड़ा वैसे ही फिर आपकी बॉडी फूलने लगती है। जिम का अगर ये होता है कि आप जब तक जिम में रहते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं आप, तो आप फिट रहते हैं, अपने आप को आप स्लिम दिखा सकते हैं, स्लिम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने जिम छोड़ा, आपके एक दो महीने, तीन चार महीने बीते और उसके बाद फिर आपकी बॉडी वैसे ही होने लगी, वैसे ही फूलने लगी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारी आप वीडियो देखिए, एंड तक वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम अपनी बॉडी का, अपने शरीर का कैसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा ही हैवी हैं, आपकी टमी बहुत ज़्यादा ही बाहर आ गई है और आप टमी के कारण आप जीन्स पहनने में भी दिक्कत हो रही है और आप साड़ी भी वेयर करते हैं तो वो भी फूली फूली आगे से लगती है, अजीब से लगती है, तो और आप लड़के हैं, अगर लड़के भी हैं और आपने पैंट डाल रखी है, जींस पहन रखी है और आपका पेट बहुत ज़्यादा ही आगे है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने एक ड्रिंक तैयार किया है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदा होने वाली है। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर जैसे कि जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो सुबह मॉर्निंग में लेनी है, आपको खाली पेट लेनी है, लेकिन बस भी गर्म गर्म लेनी है। दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, आपको गर्मी में ठंडा पानी नहीं पीना है। आपको अपने फिटनेस का ध्यान रखना है तो आपको गर्मी में भी ठंडा पानी नहीं लेना है, आपको सादा ही पानी पीना है, और ठंड है तो ठंड में हल्का सा गुनगुना पानी पीना है। जब तक आप अपने आप को फिट नहीं कर लेते तब तक ऐसा चलेगा, और फिर बाद में जब आपको बिल्कुल आप स्लिम हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, तो आप हल्का सा ठंडा ले सकते हैं गर्मी में। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान आगे तक भी रखना है, जैसे कि तला भुना नहीं लेना है। बाहर का तला भुना लेंगे तो उसमें पता नहीं कैसा ऑयल यूज करते हैं, आपको ऑयली फूड नहीं लेना है। आपकी बॉडी का ध्यान रखना है, आपको फिटनेस का ध्यान रखना है, तो आपके ऑयली फूड अवॉइड करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा ही पसंद है और आप बहुत ज़्यादा ही हैवी हो रहे हैं, तो आपको मीठा कुछ टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको कम से कम 5 से 6 महीने आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे हल्का फुल्का ले सकते हैं। कभी टेस्ट के लिए हल्का फुल्का ले लिया, लेकिन आपको जो कहो कि दो दो चार चार पीस आप उड़ा जाएं वो तो संभव नहीं है ना, क्योंकि आपको अपने फिटनेस जब ध्यान रखना है तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। दोस्तों, आपको पानी का सेवन बहुत करना है। अगर आप पानी कंटिन्यू आप अपने रोज डेली चर्या में आप लेके आते हैं तो पानी का सेवन आपको अधिक से अधिक करना है। जैसे कि 12 से 15 ग्लास आपको रोज पीना है। आपके चेहरे पे भी निखार आता है टाइम के बाद, खाना खाने के बाद तुरंत आप पानी मत लीजिए, कम से कम 10 मिनट का तो गैप रख ही लीजिए, तो 10 मिनट के गैप के बाद आप पानी लीजिए। तो अगर आप पानी आप डेली में सेवन में अच्छे से अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी बॉडी में बहुत अंतर आएगा, आप एकदम फिट महसूस करेंगे। आपका अगर आपको खुद लगता है कि मैं बहुत भारी भारी लग रहा हूँ, चलने में भी मुझे बहुत मैं हाँप जाता हूँ, थक जाता हूँ बहुत जल्दी, या मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, या घर का काम करते करते मैं थक जाती हूँ, थोड़ा की चीज़ें नहीं लेनी है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, घर का ही खाना खाना है, थोड़ा स्पाइसी भी मत खाइएगा, स्पाइसी कम कर दीजिएगा, और ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो अगर आप स्पाइसी पसंद भी करते हैं तो थोड़ा सा हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं। दोस्तों, फैट को कैसे दूर करना है इसके लिए रेमेडी तैयार करते हैं, आइए देखते हैं कि रेमेडी को हमें कैसे तैयार करना है। सिंपल सी रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, करना क्या है आपको मैं बताने वाली हूँ। तो ये मेथी दाना वही है जो आपको इजीली मार्केट में परचेज हो जाता है और आपको मिल जाता है। दोस्तों, आज मैं इसी मेथी दाना से वो रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, मैं बताऊँ आपको कि ये मेथी दाना जो है वो लेना है आपको अपने फैट को कम करने के लिए।
दोस्तों अक्सर बहुत ज़्यादा ही लोग परेशान होते हैं कि उनका फैट बढ़ता ही चला जा रहा है, उनकी टमी निकलती ही चली जा रही है। उस टमी को अंदर करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, तब आपको पता चलेगा इस रेमेडी को हम कैसे तैयार करेंगे और इसका कैसे यूज़ करना है। दोस्तों इसको करना क्या है आपको कि एक चम्मच आप मेथी दाना ले लीजिए। तो इस रेमेडी को मुझे तैयार करने के लिए मैंने रात में ही मेथी दाना भिगो देना है। तो हमने मैंने एक गिलास पानी लिया है, एक गिलास पानी में इस पूरे मेथी दाना को भिगो देना है। अब इसको रात भर आप भीगने दीजिए, भीगने के बाद मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। तो दोस्तों देखिए ये रात भर भीगने के बाद हल्का सा इसका पीलापन आ गया है पानी में। अब इसको करना क्या है, मैं किसी फ्राई पैन में ले लूँगी, तो इसको फ्राई पैन में लेना है और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है। तो 15 से 20 मिनट हम इसको पका लेते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब इसको जब तक पकाना है कि जब तक इसमें दो खोले नहीं आ जाते हैं। आप दो खोले आने के बाद इसको हल्का सा सिम कर दीजिए, सिम गैस पे ही बनाना है। अच्छे से सिम गैस पे बनाएंगे आप तो इसकी प्रॉपर्टीज पानी में आ जाएंगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होने वाला है। तो इसको देखिए अभी खोला आना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी खोला जब आ जाएगा तो ये अच्छे से फूल जाएगी ये और इसकी प्रॉपर्टीज पानी में आ जाएंगी। खोलाना है इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको नाइट में ही इसको भिगोना है। तो देखिए खूब अच्छे से खोलने लगा है। अब मैं इसको सिम कर दूंगी, अब फिर मैं इसको थोड़ा सा तेज आंच में फिर पकाऊंगी। अब दूसरा खोला आ चुका है। ये मेथी दाना जो होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। अगर आपकी टमी बहुत ज़्यादा ही बाहर निकली हुई है, आप अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद लेना है, खाली पेट पीना है। ये बॉइल हो चुका है, अब एक गिलास जो पानी था वो आधा गिलास हो चुका है। अब इसको मैं छान लूँगी, उसके बाद इसको गर्म गर्म ही छानना है, गर्म ही गर्म पीना है। अगर आपको कड़वा लगता है ये तो इसमें आप काला नमक भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको मीठा लेना है, मीठा आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ हनी का यूज़ जब करना है आपको, जब आप बनाते समय इसको यूज़ नहीं करना है, जब आप दें तब नहीं डालना है, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाता है तो आपको हनी इसमें डालना है। और हनी कम, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम लीजिएगा और तब डालना है उसमें। डायबिटीज़ है उनको हनी नहीं डालना है, उनको ऐसे ही सेवन करना है। तो दोस्तों ये रेमेडी देखिएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होने वाली है। इसका यूज़ कीजिए, आपको खाली पेट पीना है इसको। रेमेडी बिल्कुल तैयार है, अब इसको आप पी सकते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा इसमें काला नमक डालने वाली हूँ, क्योंकि काला नमक से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो मैं थोड़ा सा काला नमक का यूज़ करूँगी, पड़ने के बाद थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लीजिए। और जी गरम गरम है, गरम गरम पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये आपके टमी के लिए, आपके फैट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाँ दोस्तों मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई कि जैसे ये मेथी दाना है जो आपका बचा हुआ है, उसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सब्जी में यूज़ करना चाहते हैं तो सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका पैक बना के यूज़ करना चाहते हैं तो अपने चेहरे पे आप पैक बना के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान, आप देखेंगे कि आपको कितना फर्क पड़ता है। दोस्तों अगर आपको मेरी होम रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।